हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू कॉइन बेस क्रिप्टो। एंड टुडे बात करेंगे एक ऑल्ट कॉइन के बारे में एंड व्हाई ऑल्ट कॉइन विल रन। बिकॉज ऑल्ट कॉइन इसलिए रन होगा क्योंकि पहला जो फेज था वो था बीटीसी का। तो बीटीसी जो बिटकॉइन है वो काफ़ी बूम में आया, 64K जो है टच हो गया। देन उसके बाद एथेरियम ने बूम उठाया और बूम 4K के ऊपर, 4000 से ऊपर चला गया। और फिर आगे टॉप 50 वाले कॉइन, उसमें पैसा लगा, लोगों ने लगाया। फिर आया टॉप 100 का जो फेस आया, वो भी उसमें भी पैसा लगा। और अभी उसके बाद एक फंड आया, चाइना फंड, एलन मस्क फंड। देन उसके बाद अभी मार्केट जो है वो दोबारा राइज हो रही है और बिटकॉइन जो है करंटली है 38,929 के करीब और इथेरियम है 2,800 के करीब, जो कि 10% अप है। कार्डानो जो है 1.75%, 15% अप है अभी। एंड मार्केट में जो फंड इतना 2.5 बिलियन के करीब, 2.5 ट्रिलियन के करीब हमने मार्केट कैप देखा था, यानी कि अभी भी 800 बिलियन के करीब मार्केट कैप जो है वो अभी मार्केट में नहीं आया। तो वो कब आएगा, कहाँ आएगा? अभी मुझे जो लगता है 300 बिलियन तो जाएगा यहाँ पे टॉप 100 में या टॉप 50 में, वो डबल्ट होगा। उसके बाद जो 500 बिलियन बचेगा वो जाएगा ऑल्ट कॉइन के अंदर, जो बाकी नीचे टॉप से जो 100 लिस्ट छोड़कर जो नीचे के कॉइन है उनमें जाएगा, जिनका मार्केट कैप 500 मिलियन, 600 मिलियन, 400 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसा उनमें जाने का उम्मीद है फ्यूचर में मार्केट कैप जो पैसा है। तो अभी आगे चल के क्या बनेगा क्रिप्टो करेंसी का, वो भी मैं आपको बताता रहूँगा रेगुलर, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी डे बाई डे डेवलपमेंट हो रही है। गवर्नमेंट्स भी, कुछ कंट्रीज़ की गवर्नमेंट सपोर्ट करी है, कुछ की नहीं करी। और अभी आगे जाकर वीडियो में लास्ट में बने रहना, आपको एक अच्छा ऑल्टकॉइन फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बताने वाला हूँ, जिसका प्राइस प्रेडिक्शन है कि वो ज़्यादा नहीं तो $1 जल्दी टच करेगा, $1 जल्दी टच करेगा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर देना लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में, टिकटॉक में, ताकि लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी कर देना और बेल आइकन के ऊपर हिट भी कर देना। कमेंट सेक्शन में कुछ भी आपने पूछना तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अभी बात करते हैं कौन सा वो है वो ऑल्ट कॉइन, वो है कोटेक्स। कोटेक्स क्या चीज़ है, कोटेक्स के बारे में बात करते हैं। 505 नंबर पे करंट इसका रैंक है। आज का जब ये वीडियो रिकॉर्डिंग, आज का प्राइस है 19 सेंट, एट द टाइम ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग 19 सेंट इसका प्राइस है। 16% के करीब ही अभी अप ट्रेंड में है और 1 ईयर का लो है 6 सेंट या 7.5 सेंट और 1 ईयर हाई है 73 सेंट। और जो पैसा 500 बिलियन है वो अभी आगे जाकर ऐसे ऑल्ट कॉइन में लगेगा। टोटल जो मार्केट कैप है वो है 47 मिलियन या 48 मिलियन के करीब मार्केट कैप है अभी इसका। क्या है ये चीज़, क्या कॉइन है, इसके बारे में जानते हैं। कोटेक्स, कोटेक्स का मार्केट कैप 47 मिलियन आपको बता दिया, 19 सेंट आज इसका प्राइस है, 16% अप ट्रेंड में है और माइनेबल है, प्लेटफॉर्म है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें अनेबल्ड है। तो ये सारे इसके फीचर हैं और इसमें काइनेटिक कैपिटल ने पैसा लगाया, वेंचर कैपिटल है फर्म एक। और ऑलरेडी 9693 यानी 9693 लोगों की वॉच लिस्ट में है कॉइन मार्केट कैप में। CTXC इसका शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसलिए मुझे थोड़ा सा ये लगता है पॉपुलर कम है क्योंकि इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो इतना बढ़िया नहीं है, CTXC। तो ये जबान जो है इतना फोल्ड खा रहा है कि भूल जाता है इंसान भी। CTXC होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता, या CTX होता तब भी बढ़िया रहता। CTXC ये थोड़ा सा भूलने वाला कॉइन है, मीन्स कि माइंड में ब्रांड नेम याद नहीं रहता, जैसे BTC, ADA, ETH ऐसे जो है ब्रांड नेम याद रह जाते हैं। तो LTC, तो ये CTXC, तो इसलिए लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पाए इस कॉइन तक अभी तक। तो लेकिन हम आप पहुँच चुके हैं इसके बारे में बताने आपको। तो ये लॉन्च हुआ था अप्रॉक्सीमेटली मई 18 में, जब लास्ट बुल रन ख़त्म हो रहा था, तब $2 इसका तब का प्राइस था, मई 2nd का $2 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा। ये देखिए ये प्राइस था इसका $2.10 शायद, इतना ये टच हो गया प्राइस। उसके बाद इसने नीचे आता रहा ये कॉइन, ये देखिए नीचे यहाँ पर आ गया, नीचे आकर प्राइस ये देखिए क्या है, 12 सेंट भी रहा ये प्राइस। उसके बाद ये 29 सेंट भी रहा, फिर नीचे आ गया, फिर 36 सेंट, फिर उसके बाद नीचे आ रहा 18 सेंट। ये तो नीचे अभी आया ना जब ये फंड आया, तो 54 सेंट से नीचे आया।
अभी इसके बारे में बात करते हैं, क्यों ये आगे बढ़ेगा, बढ़ने का कारण क्या है, माइनेबल है, कॉइन है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ब्लॉकचेन है, फ्यूचर की जरूरत है। अभी फ्यूचर में इतना इम्प्लीमेंट नहीं हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, लेकिन फ्यूचर में होना ही वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर साइंटिस्ट हैं, कंप्यूटर जो ऑपरेटर हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं बोल सकते, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं या वैसे साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, वो अभी रिसर्च कर रहे हैं। तो ये क्या है ब्लॉकचेन, मैं इसके बारे पूरे अभी डिटेल में रिसर्च कर रहा था। ये देखिए कोर्टेक्स नाम अच्छा है, CTXC मुझे ठीक नहीं लगा, कोर्टेक्स ठीक है, याद रहने वाला। AI ऑन ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन ब्लॉकचेन, द डिसेंट्रलाइज आर्टिफिशियल ऑटोनोमस सिस्टम, द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड कंप्यूटर कैपेबल ऑफ रनिंग AI एंड आर्टिफिशियल पावर डैप्स ऑन द ब्लॉकचेन। तो ये देखिए डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आप लॉन्च कर सकते हो डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेस में के ऊपर। Cortex Virtual Machine, the CVM is a EVM compatible and added support for the non-chain AI interference which utilizes the GPU instead of the CPU to execute non-trivial AI model on the Cortex chain. AI interface engine, तो ये देखिए artificial intelligence के ऊपर है, AI smart contract and AI dApps. Cortex add machine learning support to smart contracts and dApps to adopt the two real world use cases. Developers can use the popular languages Solidity and off the shelf AI models on the Cortex storage. Cortex storage layer to create AI enhanced dApps and smart contract. तो ये AI का smart contract है, इनकी team के बारे में भी जानते हैं, क्या है about the team. Cortex वॉलेट इन्होंने लॉन्च कर दिया, माइन भी आप कर सकते हो, रन अ नोड भी आप बना अगर रन करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। 47 मिलियन का मार्केट कैप है जो कि बहुत ही कम है। तो ये इनका टीम मेंबर है, CEO जिकी चैन जिस फाउंडर है इस टीम का, और जिन टैन इसके को फाउंडर है, एमी चैन इसका को फाउंडर है, ये एमी चैन CCO है, CCO ओके। टेक्निकल टीम ये रही सारी, तो अच्छी टीम इनके साथ अभी है। और ये देखिए आगे जाकर आगे मैथमेटिश प्रोफेसर एकेडमिक एडवाइज़र एंड एमिनेंट मैथमेटिशियन क्रिप्टोग्राफर कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इसको। क्रिश सिंह है जो करंटली आ विजिटिंग प्रोफेसर एट टी सिंघवा यूनिवर्सिटी, तो ये भी अभी इसको इनके टीम मेंबर में है अभी। और AI इसने किया क्या अभी तक Cortex ने, Cortex की जो कम्युनिटी है टेलीग्राम की है वो 13,596 मेंबर, जिसमें 207 ऑनलाइन अभी। इनका फॉलोअर्स हैं ट्विटर के 19,700 करीब इनके फॉलोअर्स हैं। 24 फेब का हे Cortexian टाइम टू गॉसिप, वी हैव गॉट वेरियस ग्रुप चैट एट डिफरेंट लैंग्वेजेस फॉर ऑल चूजन ओके, द आंसर इज फेमस डिजिटल आर्टिस्ट In China is selling art on non-fungible token for $69 million in the crypto space while coding Chinese eminent elements into her art piece with Cortex AI technology. Sold her unique NFT artwork backed by Cortex on chain AI model for 667K yen at China Guardian, congrats. तो ये Cortex का प्लेटफॉर्म भी लोग इसको यूज़ करें, 22 मई इसको ये न्यूज़ थी, 22 मई को यस 22 मई को हैव यू गॉट योर सेल्फ सम पिज़्ज़ा विद BTC ओके, ये तो नहीं ओके। यहाँ पे इनका जो फेसबुक के फॉलोअर हैं 2529 फॉलोअर हैं फेसबुक के। और अभी ये करता क्या है, क्यों ये बढ़ेगा, क्योंकि देखिए बढ़ने के चांस क्या है, एक तो अभी इसका मार्केट जो है वो कहाँ पे लिस्टेड है वो भी देखते हैं। लिक्विडिटी के लिए बाइनेंस में ये लिस्टेड है, दुबई में लिस्टेड है, OKX में लिस्टेड है, CoinEx में लिस्टेड है, अच्छी क्रिप्टो एक्सचेंज में लिस्टेड है, 22 क्रिप्टो एक्सचेंजेस में क्रिप्टो जो ट्रेडिंग एक्सचेंज वहाँ पे ये लिस्टेड है, और बाइनेंस से सबसे ज़्यादा इसको लिक्विडिटी मिल रही है। और 47 मिलियन मार्केट कैप है, कुछ मिलियन और आएंगे, जो 500 बिलियन जो अभी आने वाला फंड है मुझे जो नज़र आ रहा है
एज पर माई प्राइस प्रडिक्शन, और मुझे लगता है कि 500 बिलियन अभी ऑल्ट कॉन में जाएंगे, वो ऐसे ही ऑल्ट कॉन होंगे। जैसे ही मान लीजिए इसमें अगर 50 मिलियन भी और आ जाते तो इसका प्राइस 100 मिलियन दुगना या ढाई गुना होने का चांस है। तो ये वैसे जाएगा ज़रूर 100 मिलियन, क्योंकि मैंने जब इसका रिसर्च किया था तो ये था इनका, देखिए क्या था वॉच लिस्ट 9582, तो अभी क्या है 9693, तो 100 नंबर बढ़े। और उसके बाद ट्विटर के फॉलोअर कितने हैं उनके, ये देखिए 1300, तो यहाँ 60, और यहाँ पे कितने दिखा रहा है अभी के करीब 19700 ट्विटर के फॉलोअर, तो ये देखिए ये भी बढ़े। रैंक 440 था, रैंक थोड़ा कम हो गया, लेकिन प्राइस देखिए जब मैंने सर्च किया था प्राइस था तब इसका 34 सेंट के करीब, तो अभी प्राइस है 19 सेंट, तो प्राइस भी बढ़ेगा। तब मार्केट कैप था 84 मिलियन, तो अभी मार्केट कैप क्या है, अभी है 47 मिलियन। तो जैसे ही कुछ मिलियन आएंगे दोबारा ये अपनी मार्केट कैप को टच करेगा, तो डेफिनेटली इट विल गो टू दोगुना, तो हो गई होगा वेरी सून शॉर्ट टाइम पीरियड में। लेकिन फ्यूचर में इसका प्राइस प्रेडिक्शन में एज पर मेरे व्यू के हिसाब से अगर बुल रन ठीक रहा और बिटकॉइन स्टेबल रहा और ऑल्टकॉइन में पैसा लगने लगा तो ये $1 जरूर जाएगा, जल्दी टच होगा $1, यस। तो आज तो ये 16.16% तो बढ़ ही चुका है, तो $1 आने का आसार है। तो ऑल्ट कॉइन आपको बता दिया, और AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, जो कि फ्यूचर में अभी हर एक मशीन में, हर एक कंप्यूटर में आर्टिफिशियल, हर एक इवन वेबसाइट्स में, कितने ही वेबसाइट्स आप जैसे अमेज़ोन का वेबसाइट, वहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्लिपकार्ट का वेबसाइट, वहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की को टेस्ट किया जा रहा है कि कैसे ऑटोमेटिक सिस्टम चले, क्योंकि कंपनीज कॉर्पोरेट्स अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे अपने काम को बढ़ावा दे रही, क्योंकि फ्यूचर है ही AI का। आपने तो फिल्में भी देखी होंगी, वहाँ पे देखिए वो मशीन है जो रॉबोट होता है, ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मशीनें अपने आप को ठीक करती हैं, अपने आप को उठाती हैं, भागती हैं, दौड़ती हैं, चार्ज करती हैं, देन अगेन फिर काम करती हैं, और उनका ब्रेन भी बनाया दिखाया जाता है। तो फ्यूचर में यही सब कुछ है। तो जो ब्लॉकचेन, जो प्लेटफॉर्म, जो कंपनीज अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद कंप्यूटर अपने आप को इम्प्लीमेंट करेंगी, दैट दोज विल बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर। सो दिस इज द ब्लॉकचेन टू लॉन्च देयर योर डैप एप्लीकेशंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। सो जल्दी अच्छा फ्यूचर इनमें आपको देखने मिलेगा। थैंक यू, अलविदा, बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी डाल देना, और बेल आइकन के ऊपर हिट भी कर देना। बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल जी।